देशवासियों की जरूर यह खबर मिल चुकी होगी कि हमारे पूर्वतन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब और हमारे बीच नहीं रहे, आज उनको निधन हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बचाने की हर संभव प्रयास हमारी देश की डॉक्टर ने सारे मिलकर किए हैं, लेकिन प्रणब बाबू को बचाने में हम लोग सफल नहीं हुई और आज वो हम सबको छोड़ के भगवान के पास चले गए। बड़ी दुख की बात हुई, बड़े वेदना महसूस हो रहे हैं कि प्रणब बाबू जैसे व्यक्ति को हम लोग खो बैठे। प्रणब बाबू सिर्फ एक पार्टी के लीडर नहीं थे, प्रणब बाबू की कद और पद सब चीज से ऊपर उठकर राष्ट्रहित सबसे बड़ा उनकी जिंदगी में अहमियत की तौर से देखने वाला एक इंसान, सबसे आगे राष्ट्रहित उनकी यही था जीवन की धर्म। एक राष्ट्रनायक के दूसरा नाम प्रणब मुखर्जी, देश दुनिया में हिंदुस्तान का राम नाम रोशन करने के लिए जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, प्रयास की, उनका नाम प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी एक ऐसा व्यक्ति जिनको सिर्फ देश में नहीं सारे दुनिया में अपना ज्ञान से, अपना बुद्धि से अपने को मशहूर किया था। एक मशहूर आदमी के हसीयत से उन्होंने अपने दम पे साबित कर दिया था हमारे लिए प्रणब बाबू सारे देश की एक संपदा थी। मेरे साथ उनका गहरा संबंध था, गहरा ताल्लुक था। उनका ज्ञान, उनका बुद्धि, उनका शिक्षा अपार। कहा जाता था कि प्रणब मुखर्जी एक एनसाइक्लोपीडिया है, जो चीज आप जानना चाहते हैं चले जाओ प्रणब मुखर्जी के पास और सुनकर वापस चले आओ। इस तरह के ये ज्ञानी व्यक्ति के निधन में देश की जरूर बहुत कुछ खोना पड़ता। आज ये बड़ा दुख और वेदना की क्षण है मेरे लिए। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान प्रणब मुखर्जी को स्वर्गवासी करो, उनकी आत्मा को शांति और चैन से गुजारने की मौका दो। भगवान उन्हें और उनकी आत्मा को शांति दो।